नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका किच्छा स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। किच्छा स्टेशन से ये वीडियो भेजा है गौरव मिश्रा ने। गौरव भाई, वीडियो भेजने के लिए धन्यवाद। किच्छा खटीमा रेल लाइन का अब तक कुछ अता पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये रेल परियोजना फाइलों में दब करके रह गई है, क्योंकि साल दर साल निकलते जा रहे हैं और उत्तराखंड के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और साथ ही साथ सितारगंज में आप जानते हैं कई सारी औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर जो लोग उद्योग चला रहे हैं बहुत लंबे समय से, वो भी मांग करते आ रहे हैं कि यहां पर किच्छा खटीमा जो रेल लाइन है उसका निर्माण जल्द से जल्द हो। साथ ही साथ जो नानक मत्ता पड़ता है, जो हमारे सिखों का पवित्र गुरुद्वारा है, उसको भी कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही साथ सितारगंज में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मालगाड़ी के ज़रिए जो अपना माल होता है तैयार माल, उसको भेजने में और कच्चा माल मंगवाने में आसानी होगी, क्योंकि ट्रेन से जो माल ढुलाई होती है तो कॉस्टिंग जो है वो कम आती है, सस्ता पड़ता है। अभी फ़िलहाल वहाँ पर जो इकाइयाँ हैं सड़क मार्ग से ही अपना माल भेज रही हैं, जिसमें भारी दिक्कत हो रही है। तो अभी तक किच्छा से जो खटीमा के बीच में रेल लाइन प्रस्तावित थी उसके निर्माण को लेकर के भी कोई भी खबर निकल करके सामने नहीं आ रही है। देखना होगा आने वाले बजट में इस रेल लाइन के लिए क्या कुछ फंड मिल पाता है या नहीं मिलता है। साथ ही साथ लालकुआ से जो समर स्पेशल राजकोट के लिए चलाई जा रही है और अभी जो काठगोदाम से मुंबई के लिए ट्रेन चल रही है स्पेशल ट्रेन, वो भी दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो तीन ट्रेन्स लालकुआ जंक्शन से होकर के किच्छा होते आगे जाती थी, जिसमें सप्ताह में दो दिन रामनगर से ऐशबाग तक जो ट्रेन चलती थी, सप्ताह में एक दिन हमारे लालकुआ जंक्शन से हावड़ा तक और लालकुआ जंक्शन से ही बनारस सिटी के लिए जो स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई थी, उनकी समय अवधि समाप्त हो गई है। आज 30 जून है जिस दिन हम ये वीडियो कर रहे हैं। तो अभी तक इन ट्रेन्स के विस्तार की, फर्दर एक्सटेंशन की कोई नोटिफिकेशन नहीं निकल करके सामने आ रही है। ये रामनगर बांद्रा ट्रेन है जिसका व्यू अभी आप देख रहे हैं वीडियो में। साथ ही साथ किच्छा स्टेशन पर अमृत भारत योजना में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो भी धीरे धीरे तेज़ी पकड़ रहे हैं और उम्मीद है आने वाले समय में जब बजट मिलेगा तो कार्यों में और तेज़ी आएगी। लालकुआं जंक्शन से हावड़ा और लालकुआं से बनारस सिटी, साथ ही साथ रामनगर से जो ट्रेन हमारी ऐशबाग तक चलाई गई थी, लोगों को इंतज़ार था और उम्मीद थी कि जून समाप्त होते होते इन ट्रेन्स के विस्तार की भी नोटिफिकेशन NER जारी करेगा, क्योंकि इन तीनों ट्रेन्स को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग जा रहे हैं। विशेषकर रामनगर से जो हमारे ऐशबाग ट्रेन आती है पूरी पैक होकर के आ रही है, दोनों ही दिशाओं से लोग इसमें मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो बनारस सिटी के लिए ट्रेन चलाई गई है बरस्ता इज्जत नगर, उसमें भी यात्री लोड अच्छा खासा है, सवारियां मिल रही हैं। लेकिन 30 जून तक कोई नोटिफिकेशन निकल करके सामने नहीं आया कि इन ट्रेन्स का फर्दर एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, इस पर संशय बना हुआ है, या ये तीन ट्रेन्स रेगुलर नंबर से आने वाले समय में चलाई जाएंगी, इस पर भी अभी कोई जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। ना तो इज्जत नगर मंडल की तरफ से, ना गोरखपुर मुख्यालय से इस पर कोई जानकारी अभी मिली है कि इन तीन ट्रेन्स का आखिरकार क्या होगा, क्योंकि जो नया टाइम टेबल पहले 1 जुलाई से लागू होना था उसको डिफर कर दिया गया है, उसको आगे खिसका दिया गया है और रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार अब नई समय सारणी जो है वो जनवरी 2025 से 1 जनवरी से अब लागू की जाएगी। यानी कि जो ट्रेन्स के समय में बदलाव है, जो परिचालन में जो भी बदलाव होंगे, वो अब नई समय सारणी जब लागू की जाएगी जनवरी से, नव वर्ष से, तभी से वो इफ़ेक्ट में आएंगे। तब तक जो अभी वर्तमान समय में ट्रेन्स चल रही हैं अपने समय सारणी से, उसी समय से जो रेलगाड़ियों का संचालन है वो चलता रहेगा। तो यहाँ से एक डिपार्चर का व्यू आप देखिए किच्छा स्टेशन से रामनगर बांद्रा ट्रेन का। बहुत सारे यात्रियों की ये मांग थी कि जो हमारी लखनऊ जंक्शन से काठगोदाम तक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसका मार्ग परिवर्तन किया जाए, उस ट्रेन को अब
वाया मैलानी पीलीभीत भोजीपुरा होकर के चलाया जाए। आप इज्जत नगर से उसका लोको रिवर्स कर सकते हैं भोजीपुरा के स्थान पर, तो इससे बरेली का जो लोड है, बरेली के जो यात्री हैं वो भी मिल जाएंगे। और ये ट्रेन सप्ताह में जो अभी 5 दिन चल रही है लखनऊ जंक्शन से काठगोदाम के बीच इंटरसिटी, इसको डेली किया जाए, प्रतिदिन किया जाए, तो एक ये मांग भी यात्रियों की बहुत लंबे समय से हो रही है। क्योंकि जो ट्रेन अभी वर्तमान में इंटरसिटी चल रही है लखनऊ जंक्शन से सीधे बरेली जंक्शन उसका स्टॉप है, तो इस कारण से यात्रियों की मांग थी कि इस ट्रेन को लखनऊ जंक्शन से मोहिबुल्लापुर सिधौली सीतापुर जंक्शन लखीमपुर गोला मैलानी पूरनपुर पीलीभीत के रास्ते चलाया जाए। तो इस पर भी अभी तक रेलवे कोई निर्णय नहीं ले पाया है। हालांकि जो समर स्पेशल ट्रेन 3 चलाई गई पीलीभीत जंक्शन के रास्ते वाया मैलानी, तो सेक्शन पर एक प्रकार से ट्रेन ने चल करके सेक्शन को खोल दिया आप कह सकते हैं। हालांकि अभी पीलीभीत शागढ़ का लोकार्पण होना बाकी है, जिसके बाद सवारी गाड़ियां चलेंगी, तो देखना होगा वो भी लोकार्पण कब होता है।